तो गाइस स्वागत है आपका 6th हार्डकोर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में। ये कंटिन्यूएशन है 5th पार्ट का, जहाँ पे हमने देखा था कि कैमरा कैसे खोलते हैं एंड उससे इमेज कैसे क्लिक करते हैं, और हमने इमेज यूआरआई भी प्रोवाइड कराई थी जहाँ पे हमारी क्लिक्ड इमेज स्टोर होगी। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वो इमेज हम डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं किसी एक्टिविटी में। तो जो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है ग्लाइड। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लाइब्रेरी ऐड कैसे करते हैं एंड वो लाइब्रेरी यूज़ कैसे करते हैं। तो जो एंड्रॉयड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करता है वो होता है एक सिस्टम ग्रेडल। तो ये ग्रेडल में दो फाइल्स हैं आपकी, एक प्रोजेक्ट फाइल है, एक मॉड्यूल फाइल है। तो हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं मॉड्यूल फाइल में। तो इसमें आप डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे डिपेंडेंसीज़ का एक सेक्शन है। यहाँ पे हम अपनी जो इमेज लाइब्रेरी है वो यूज़ करेंगे। तो इमेज लाइब्रेरी जो हम यूज़ करेंगे वो है ग्लाइड। तो अब अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ग्लाइड डिपेंडेंसी, तो आपको मोस्टली पहला लिंक होगा ये गिटहब वाला लिंक होगा, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप बॉटम में जाओगे तो आपको ग्लाइड की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो अभी ये डिपेंडेंसीज हमें दो डालनी है, ये दोनों हम कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है हमें। तो इससे हमारी ये जो ग्लाइड, हमारी ये जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है इसमें ग्लाइड लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो ये प्रोजेक्ट फाइल है इसमें आपका गूगल और जे सेंटर होना चाहिए। तो ये ग्लाइड ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि गूगल और जे सेंटर रिपोजिटरीज आपकी होनी चाहिए, तो वो बस इंश्योर कर लेना, मोस्टली आपकी होंगी। उसके बाद ये सिंक नाउ का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्लिक कर देना। अगर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है तो ये हाथी वाला जो आइकन बना है इस पर क्लिक कर देना। ये हम क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रेडल फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी एंड हमारी लाइब्रेरी इंटीग्रेट हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल वी नीड टू इंटीग्रेट अ लाइब्रेरी। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या करा था कि हमने एक इमेज URI पे अपनी बिटमैप स्टोर करा दी थी। हमें कॉल बैक नहीं मिला था कि वो कॉल सक्सेसफुल हुई है या फिर वो फेल हो गई। तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए था हमें एक्टिविटी का, वो कैप्चर नहीं हुआ। उसको कैप्चर करने के लिए एक मेथड होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। तो इसमें आप देखोगे कि हमें तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक तो डेटा मिल रहा है, उसके बाद हमें मिल रहा है रिजल्ट कोड, जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। डेटा तो वही चीज़ है जो कि हमें कैमरा से मिलेगा, यानी कि कैमरा से हमें मिलेगा उस फाइल का पाथ, लेकिन फाइल का पाथ तो हमने पहले ही दे रखा था तो हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें एक मिलेगा रिक्वेस्ट कोड। तो ये रिक्वेस्ट कोड वही रिक्वेस्ट कोड है जो कि आप शुरू करते टाइम किसी एक्टिविटी को रिजल्ट के लिए प्रोवाइड करते हो। तो एक एक्टिविटी से आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हो रिजल्ट के लिए। तो रिक्वेस्ट कोड हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किस रिक्वेस्ट कोड के लिए हमने कौन सी एक्टिविटी खोली थी। मान लो आपने किसी लोकेशन के लिए एक एक्टिविटी खोली है, एक एक्टिविटी खोली है कैमरा के लिए, तो ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में दोनों का ही रिजल्ट आ सकता है, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट कोड जो हमें मिला है वो इक्वल है हमारे जो हमने ऊपर इमेज कैप्चर कर रिक्वेस्ट कोड करा है, एंड एक और कंडीशन जो रिजल्ट कोड है वो होना चाहिए इक्वल रिजल्ट अंडरस्कोर ओके से। तो आप देखोगे कि तीन तरह के रिजल्ट हो सकते हैं, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे ओके और कैंसिल पे। तो या तो यूज़र कैंसिल कर सकता है रिजल्ट, यानी कि कैमरा में इमेज क्लिक करके क्रॉस का आइकन दबा सकता है एंड बैक दबा देगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, वरना ओके यानी कि उसने रिजल्ट दे दिया है। इसके बाद हम इसको कहेंगे कि भाई अब तेरे पास रिजल्ट आ गया एक्टिविटी का, सब कुछ सही है, तो तू अब नई एक्टिविटी में चले जा। एंड हमें नई एक्टिविटी में पास कराना है कुछ, वो है हमारा इमेज का पाथ ही ये वाला। तो हम उसमें इमेज का पाथ पास कराएंगे। उसके लिए मैंने आपको बताइए कैसे करना है। सबसे पहले इंटेंट बनाओ, एक इंटेंट हम इस एक्टिविटी से बनाएंगे फिल्टर्स एक्टिविटी में, और फिल्टर्स एक्टिविटी को ऐसे खोला जाता है। इसमें इंटेंट में हम पास कराएंगे एक स्ट्रिंग जो कि इमेज URI है हमारा, इससे ये हमारा आइडेंटिफायर है। एंड पास क्या कराना है हमें, इमेज URI, ये चीज़। तो इमेज URI पास करा देंगे एंड बस वो हमें एक्टिविटी खोल सकते हैं अब, एक्टिविटी इंटेंट। तो अब हमें फिल्टर्स एक्टिविटी में जाके अब वो डेटा लेना है, एंड फिल्टर्स एक्टिविटी में हमें URI से इमेज डिस्प्ले करानी है। तो सबसे पहले तो हम डेटा निकालेंगे, वो होगा इमेज URI, एंड हम लेंगे इंटेंट से। अब हमें एक पार्सलेबल चाहिए, तो पार्सलेबल मैं एक बार टाइप कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्यों। तो पार्सलेबल में हम लेंगे इमेज URI। ये दिक्कत क्यों दे रहा है,
तो अब हमें ये URI मिल जाएगा इंटेंट के डेटा से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पार्सलेबल क्यों टाइप करा है। तो अगर आप URI में जाओगे तो आप देखोगे कि ये पार्सलेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है। तो जो इवेंचुअली हम यहाँ पे डालते हैं पुट एक्स्ट्रा, वो एक पार्सलेबल डालते हैं और वही हमें यहाँ पे रिट्रीव करना है। तो मैंने वो पार्सलेबल रिट्रीव कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे लॉक कराता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि पाथ हमारा आया भी है या नहीं, जो इतनी देर से हम पाथ कर रहे हैं। अब इमेज URI.toString, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब जैसे ही मेरी एक्टिविटी खुलेगी, ये इंटेंट का डेटा निकालेगा एंड प्रिंट करा देगा लॉक कैट में। तो लॉक कैट में हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। सब कुछ सही है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमारी ऐप रन हो चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा कैमरा खुला। अब एक कैमरा से इमेज लेते हैं। ये टिक का बटन आया, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा हेलो देयर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब देखते हैं लॉक कैट में क्या प्रिंट हुआ है। तो अब मैं अपना इम्यूलेटर सेलेक्ट करता हूँ पहले। तो लॉक कैट में ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आप मेरा कंटेंट का URI प्रिंट हो चुका है। एक्चुअली मेरे को इसको फ़िल्टर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाओ एंड एडिट फिल्टर कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करो। अपने फ़िल्टर का नाम देंगे फ़िल्टर, लॉक टैग का नाम देंगे, हमारा देसी कोडर नाम का लॉक कैट है, एंड लॉग मैसेज वगैरह ये आपको करना नहीं है, बस ओके क्लिक करो। तो आपको बस वही अपने मतलब की चीज़ें मिलेंगी। तो देसी कोडर जो हमने यहाँ पे टैग पास करा था, उसी टैग वाले हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार आपको दोबारा करके दिखाता हूँ ये। तो एक बार आपको रीस्टार्ट करते हैं। मैं खोला कैमरा, मैंने यहाँ पे क्लिक करी इमेज, टिक पे क्लिक करूँगा तो अब मेरा प्रिंट हो जाएगा। पहले तो ये वाला हटाओ। अब मैं टिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा यहाँ पे URI प्रिंट हो गया। तो अब मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे स्टोर हुई है, इस पाथ पे स्टोर हुई है। तो अब मेरे को एक इमेज व्यू में इसको डिस्प्ले करना है। तो इमेज व्यू हम यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। अब आप फिल्टर्स वाली एक्टिविटी के लेआउट में जाओ तो अभी टेक्स्ट व्यू है, अब हमें डिस्प्ले करना है एक इमेज व्यू। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक इमेज व्यू। इमेज व्यू इसको विड्थ देंगे हम 400 की, हाइट भी इसे 400 dpi की देंगे और इसे एक आईडी दे देंगे। आईडी मैं इसे दूंगा, क्या दूँ आईडी से, इसे आईडी देते हैं iv_main देते हैं। अगर आपको कोई बेटर नेम सजेस्ट करना हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे एक इमेज व्यू बनाते हैं पहले, जैसे हम हमेशा करते हैं, और इसको बनाएंगे लेट इनिट वैर वेल नहीं, ये होगा हमारा एक इमेज व्यू। यहाँ पे इसको करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.iv_main जो हमने XML में दी थी। अब हमें इमेज व्यू मिल चुका है अपना। तो अभी हम यूज़ करेंगे ग्लाइड लाइब्रेरी, जिसके द्वारा हम इस इमेज URI से बिटमैप लेके इस इमेज व्यू में सेट करेंगे। तो ग्लाइड टाइप करना, ये बम्प टेक ग्लाइड वाली हमें चाहिए, एंटर करो। डॉट विद, विद में हम पास कराएंगे कॉन्टेक्स्ट, तो हम पास कराएंगे दिस। डॉट लोड, हमें क्या लोड कराना है, URI, URI से हमें इमेज लोड करानी है, तो इमेज URI। डॉट इनटू, यानी कि किस में, तो अपने इमेज व्यू में। तो अब हमारी इमेज सेट हो जानी चाहिए दूसरी एक्टिविटी में। तो अब हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इमेज क्लिक करता हूँ, यहाँ से टिक पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। सो आर ऐप इज़ वर्किंग फाइन, हमारी लाइब्रेरी भी सही काम कर रही है। एंड इसी के साथ ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रिसाइक्लर व्यू कैसे ऐड करते हैं एंड एक्चुअली रिसाइक्लर व्यू होता क्या है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड।